यूं तो मॉर्फोलॉजी के लिहाज से प्लासेंटा की काफ़ी वेरिएशंस हैं जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे नंबर वन सिंगल प्लासेंटल डिस्क नंबर टू बाइलो प्लासेंटा और नंबर थ्री सक्सेंट्यूरेट प्लासेंटा के बारे में नंबर वन सिंगल लोब का डिस्कवाइड प्लासेंटा। ये सिंगल्टन प्रेगनेंसी में प्लासेंटा की सबसे कॉमन शक्ल है अल्ट्रासाउंड पे प्लासेंटा की सिंगल डिस्क यूट्रस की किसी भी दीवार पर अटैच नज़र आती है मजीद तफसील के लिए आप वॉच कर सकते हैं मेरी डिटेल वीडियो प्लासेंटा के बारे में नंबर टू बायलो प्लासेंटा। बायलो प्लासेंटा को बायपार्टाइट प्लासेंटा भी कहते हैं अगर प्लासेंटा दो बराबर या तकरीबन दो बराबर लोब्स पर मुश्तम हो तो इस प्लासेंटा को बायलो प्लासेंटा कहते हैं याद रहे कि ये दोनों लोब्स प्लासेंटा की मेन लोब्स होती हैं बाईलो प्लासेंटा तकरीबन फोर परसेंट प्रेगनेंसीज में मौजूद होता है अल्ट्रासाउंड पर सिंगल बेबी के साथ दो सेपरेट प्लासेंटा नज़र आते हैं जो के तकरीबन इक्वल साइज़ के होते हैं अम्बल कॉर्ड एक थेन रिम ऑफ कोरियोनिक टिश्यू पर अटैच होती है जो कि दोनों लोब्स को ब्रिज करती है यूट्रस में प्लासेंटा की दो से ज्याद लोब्स भी मौजूद हो सकती हैं ऐसे प्लासेंटा को लोब्स की तादाद के लिहाज से ट्राई लोब या फोर लोब प्लासेंटा भी कहते हैं नंबर थ्री सक्सेंचुरेट लोब ऑफ प्लासेंटा ये एक एसेसरी प्लासेंटल लोब है जो कि प्लासेंटा की मेन डिस्क से अलग होती है इसे सक्सेंट्यूरेट लोब कहते हैं सक्सेंट्यूरेट लोब एक या एक से जायद भी हो सकती हैं सक्सेंट्यूरेट प्लासेंटा का इंसिडेंस 1000 थाउजेंड प्रेगनेंसीज़ में तकरीबन 2% परसेंट है अल्ट्रासाउंड पे सक्सेंट्यूरेट प्लासेंटा एक छोटे सेपरेट लोब के तौर पे नज़र आता है जिसकी इकोजेनिसिटी मेन प्लासेंटा के बराबर होती है यहाँ कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कनेक्टिंग वेसल्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है खासकर अगर ये वेसल्स इंटरनल ऑस को क्रॉस कर रहे हों सेक्सेंट्यूरेट प्लासेंटा को डायग्नोस करते वक्त मरीज़ को 30 मिनट्स के बाद स्कैन करना ज़रूरी है क्योंकि ये एक ट्रांजिएंट मायोमीटल कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है लो प्लासेंटा और सक्सेंटुरेट प्लासेंटा दोनों कंडीशंस टाइप टू वाज़ा प्रीविया और डिलीवरी के बाद होने वाली हैवी ब्लीडिंग यानी पोस्टमार्टम हैमरेज का रिस्क बढ़ा देती है इसलिए इन प्लासेंटा का एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड पर डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी गायनाकोलॉजिस्ट को डिलीवरी के वक्त इल्म हो कि आपके यूट्रस में कितने प्लासेंटा मौजूद हैं दूसरे अल्फाज में इन प्लासेंटा की मौजूदगी इतनी परेशान कुन नहीं बल्कि डिलीवरी के वक्त इनकी रिमूवल ज़रूरी है थैंक यू